दीपक नाम का एक गरीब घर का लड़का घर घर जाकर सामान बेचता था। वो अपने पढ़ाई लिखाई को चलाने के लिए ऐसे काम करता था। एक दिन पूरे दिन भर घर घर घूमने के बाद उसे बहुत ज्यादा भूख लग गया था। तब उसने अगली घर पर जाकर थोड़ा सा खाना मांगने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब वो खाने की आस लेकर अगले घर में पहुंचा था तो उस घर में एक सुंदर महिला थी। तब उसने जब देखा कि वो घर बहुत बड़ा आदमी का है, तब वो घर देखकर कुछ भी मांगने का हिम्मत उसके अंदर नहीं आ रहा था। तब उसने खाना ना मांगने की वजह एक ग्लास पानी मांगा था। उस महिला ने उसकी हालत देखकर बिल्कुल ही समझ चुकी थी कि वो भूखा है, और इसीलिए उस महिला ने उसे उस दिन भरपेट खाना खिला दिया था। तब उस लड़के ने पूरा खाना खा चुका था। खाना खाने के बाद उसने कहा था, मेरे माँ ने कही है जिंदगी में कभी भी किसी से दया का दान मत लेना, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक ना एक दिन आपका ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। तब वो वहां से चला गया था। तब लगभग 15 साल बाद वो महिला बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वहां के इलाके से सारे डॉक्टर उनके इलाज करने में असमर्थ हुए थे, और तब मजबूरन उन्हें बड़े शहर की एक नामी अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पे दुर्लभ और जानलेवा बीमारियों का इलाज किया जाता है। उस वक्त विदेश से एक डॉक्टर वहाँ पर कुछ दिन के लिए आए थे। उस डॉक्टर ने उस औरत को देखने के बाद उनका अलग तरीके से ध्यान रखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद उस महिला को बचाना संभव हुआ था, और वो औरत बच भी गई थी। जब उस औरत को होश आई तो उनको पता चला कि एक बड़े डॉक्टर ने उनका इलाज करवाया है। जब उनके पास बिल लाया था तो उस महिला ने उस बिल को खोलकर देखने में डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जीवन भर उस बिल का भुगतान नहीं कर पाएगी। आखिर में जब उन्होंने उस बिल को खोलकर देखा तो वो आश्चर्य हो गई थी। उसमें लिखा था, आपके इलाज की कीमत है एक थाली भरपेट खाना। उस बिल के नीचे जो सिग्नेचर था वो था डॉक्टर दीपक का। तब ये सब पढ़कर उस महिला ने रोने लग गई थी। हमारे वर्तमान इस समाज में कोई भी आदमी किसी की भी मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन आज अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वही चीज आपको 10 गुना ज्यादा होकर वापस भी मिल जाएगा, और इसीलिए कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।